हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स सोशल एविल्स की सामाजिक बुराइयों के प्रति संवेदनशीलता। तो इस क्लास में हम जानेंगे सबसे पहले कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है, सामाजिक बहिष्कार क्या है, सोशल इनइक्वेलिटी या सामाजिक असमानता क्या है, एंड इनइक्वेलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, कि जाति, वर्ग, लिंग और धर्म के आधार पर किस तरह से हम देखते हैं सोसाइटी में सामाजिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार लोगों का किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और हम इसको जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें इसको समझना होगा कि अगर हमें अपने सामाजिक बुराइयों के बारे में पता होगा, अगर हमारे समाज में जो मौजूद जो बुराइयां हैं, जो एविल्स है, अगर उसके बारे में हमें पता होगा, तभी तो हम मतलब आपसी सहयोग से आपस में मिलकर इस बुराइयों को खत्म कर सकते हैं और अपने सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी के रूप में बदल सकते हैं, जहाँ पे लोग मिलकर रहे, प्यार से रहे और हमारी सोसाइटी हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करे। तो हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन क्या है, सामाजिक बहिष्कार क्या है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि सामाजिक बहिष्कार भेदभाव का एक रूप है। और इसमें क्या किया जाता है कि इट इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट द अदर्स इंजॉय, कि यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों या समूहों को उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वंचित रखा जाता है जिसका आनंद उस समाज में और लोग ले रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। इट अकर्स व्हेन पीपल आर पार्शियली एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ देयर कम्युनिटी बेस्ड ऑन देयर बिलोंगिंग टू अ सर्टेन क्लास, कैटेगरी और ग्रुप, कि यह तब होता है जब लोगों को उनके एक सामाजिक वर्ग, श्रेणी या समूह के आधार पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने से बाहर रखा जाता है। इन इंडिया सोशल एक्सक्लूजन अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर एंड डिसेबिलिटी, कि भारत में सामाजिक बहिष्कार लोगों की जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और विकलांगता के आधार पर होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे अक्सर आपने समाचार में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक रिलीजन या एक कास्ट के लड़के लड़की ने किसी दूसरे रिलीजन या कास्ट के लड़के लड़की से शादी कर ली, तो उसी कम्युनिटी ने, उसकी सोसाइटी ने उन दोनों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया या उनको जान से मार दिया, उनको उन फैसिलिटीज से बिल्कुल गांव से निकाल कर हुक्का पानी बंद कर दिया। मतलब जो फैसिलिटीज सबको दी जा रही है वो फैसिलिटीज उनको नहीं दी जा रही। तो क्या अब आपको समझ में आया एक्सक्लूजन? जब जो फैसिलिटीज पर्टिकुलर और लोगों को दी जा रही है समाज में, वो किसी पर्टिकुलर इंसान को, फैमिली को उनसे वंचित कर देना, और किस बेस पर? उनकी कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर। कुछ उदाहरण हम और देखते हैं, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में चाइनीज लोग हैं वो, लेकिन वहां पे एक मुस्लिम का भी ग्रुप है, लेकिन जो चाइनीज लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है वो वहाँ की मुस्लिम जो जनता है उनको इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि उनको वोट देने का भी राइट नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकते। तो उस कम्युनिटी को उसके रिलीजन बेस पर सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग कर रखा है, वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही जो बाकी सबको दी जा रही है। उसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे जो नॉन इस्लामिक लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, चाहे हिंदू है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, तो उनको भी उन फैसिलिटीज से बिल्कुल अलग किया जा रहा है जो फैसिलिटीज बाकी सबको वहाँ पे दी जा रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल। इसी तरीके से अगर म्यांमार की बात करें, वहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं सोशल एक्सक्लूजन के। और अगर हम पास्ट में जाके देखें तो अगर जैसे हिटलर जो था, तो उसने क्या किया, उसने जो नाजी लोग थे जो उनको बिल्कुल ही मार दिया, समाज से निकाल दिया। तो ये सोशल एक्सक्लूजन के कुछ एग्जाम्पल है। और हमारे यहाँ पे अभी हमने जैसे देखा कि न्यूज़पेपर में हमें सुनने को मिलता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लड़के लड़की ने किसी दूसरे से कर ली तो उसको भी सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। तो
सोसाइटी में लोगों के द्वारा भी होता है, और कई जगह जैसे मैंने चाइना और पाकिस्तान की बात की तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह का एक्सक्लूजन होता है। अब हम सोशल इनक्वेलिटी की बात करते हैं, तो सामाजिक असमानता। अब असमानता इनक्वेलिटी की जब सोसाइटी में किसी ग्रुप के साथ उसके कास्ट के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर उसके साथ मतलब आप कह सकते हो इक्वल बिहेव ना किया जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल इनइक्वेलिटी, सामाजिक असमानता। तो सोशल इनइक्वेलिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट सोशल पोजिशंस और स्टेटस विद इन अ ग्रुप और सोसाइटी। कि एक्सक्लूजन में, बहिष्कार में तो उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है और फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं दी जा रही, लेकिन इन इक्वेलिटी में क्या है, वो फैसिलिटीज तो दी जा रही है लेकिन जो देनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही, जितनी बाकी लोगों को दी जा रही है उतनी एक पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं दी जा रही। तो सामाजिक असमानता किसी व्यक्ति अथवा समूह के लिए समाज के भीतर विभिन्न सामाजिक पदों या स्थितियों के लिए असमान अवसरों का अस्तित्व है, जहाँ पे चीजें एक समान रूप से सभी को नहीं दी जा रही। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इट अकर्स व्हेन रिसोर्सेस इन अ गिवन सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, कि यह तब होती है जब किसी समाज में वहां के लोगों के बीच सामाजिक संसाधनों को असमान रूप से वितरित किया जाता है। इट कंटेन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, कि इसमें समान आय, धन, अवसर, पुरस्कार और दंड के असमान वितरण शामिल है। कि अक्सर हम देखते हैं कि समाज में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम करोड़ों में है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 1,000 रुपए भी इनकम नहीं है महीने की। अक्सर देखा गया है अदालत में जाओ, पुलिस में जाओ, तो जो पैसे वाले हैं सेम सेम क्राइम के लिए, एक गरीब इंसान है उसको सालों साल सजा होती है, मारा पीटा जाता है, लेकिन अगर वही क्राइम अगर कोई अमीर आदमी करे तो उसको उस तरह की सजा या उस तरह से बिहेव उसके साथ नहीं किया जाता जो एक गरीब इंसान के साथ किया जाता है। तो इस तरह की भी हम असमानता देखते हैं। तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, और लड़का लड़की जेंडर के आधार पर भी इस तरह की, लड़कों को, लड़के अलग तरीके से पैदा होकर बढ़ते हैं, लड़कियों को एक ही घर में अगर एक लड़की है एक लड़का है तो लड़कों की परवरिश अलग तरह से होती है, लड़कियों की अलग अलग तरीके से। और अगर हम बात करते हैं एक आदमी है उसकी अगर वाइफ अगर उसकी डेथ हो जाती है, तब भी आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समाज की जो भी एक्टिविटी है उसमें आराम से पार्टिसिपेट करता है, दूसरी शादी भी आराम से कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही अगर एक फीमेल है उसका अगर पति की डेथ हो जाती है तो उसको व्हाइट साड़ी पहनने के लिए कहा जाता है, तो उसको किसी भी तरीके से मेकअप या जो भी सोशल इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने से भी उसको मना किया जाता है। तो उसके साथ इस तरह की अनइक्वल बिहेव हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी सामाजिक बुराई है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, क्लास सिस्टम, वर्ग प्रथा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव, रिलीजन, धर्म, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। तो देखो, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, जेंडर, रिलीजन, ठीक है, इनमें बुराइयां कब आती हैं, जब आप अपने आप को बेहतर बनाओ और दूसरों को आप नीचा दिखाने की कोशिश करो तब बुराइयां आती हैं। धर्म कोई बुराई नहीं है, धर्म बहुत अच्छी चीज है, हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाती है, लेकिन अगर धर्म के आधार पर लोग आपस में भिड़े, अपने आप को बेहतर बताएं दूसरों से, तब बुराइयां ही शुरू होती है। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम कोई वो नहीं है, लेकिन अगर बुराई नहीं है, लेकिन अगर कास्ट, क्योंकि कास्ट जो सिस्टम है बनाया गया था ऑक्यूपेशन के आधार पर, लेकिन बुराई कब होती है, जब कास्ट के बेस पर लोग एक दूसरे को ऊपर ऊंचा नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, तब बुराई शुरू होती है। तो ये हमारे समाज की कुछ बुराइयां हैं। इसके अलावा चाइल्ड लेबर, करप्शन, प्रोस्टिट्यूशन, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉवर्टी, ये हमारे समाज की कुछ बुराइयां हैं जिसको खत्म करने की जरूरत है। सबसे पहले समझने की जरूरत है और उसके बाद इसको खत्म करने की जरूरत है, और ये कब खत्म होगा, जब हम खुद से प्रयास करें। अब हम देखते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट
कि जाति के आधार पर सामाजिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार। तो इंडिया इज अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कि भारत एक जाति आधारित समाज है और जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है। और हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी रिलीजन है, हर रिलीजन में कास्ट सिस्टम है, रिलीजन में भी लोगों को अलग अलग कास्ट में बांटा गया है। और भारत में 3000 से ज्यादा कास्ट है, जातियां हैं। और जो कास्ट सिस्टम है इसको समझ लीजिए कि ये किस बेस पर ये डिवाइड किया जाता है, ऑक्यूपेशन की व्यवसाय के आधार। कि जैसे आपने सुना होगा एक सुनार है, लुहार है, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इसके अलावा जो व्यापारी है उनका एक अलग है, इसी तरह से जो कपड़ों का काम करते हैं उनका एक अलग कास्ट है जिनको बुनकर कहते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइड होता है ऑक्यूपेशन बेस पर। फिर हम अगर क्लास की बात करें तो हमारे यहाँ पे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास देखने को मिलता है, जो इनकम बेस पर डिवाइड होता है। इसी तरीके से अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, जो जेंडर बेस पर डिसाइड होता है। और अगर हम बात करें रिलीजन की, तो इंडिया में कितने रिलीजन के लोग रहते हैं, कि 8 से ज्यादा जो रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं। तो रिलीजन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब इसको जब बुराई हम कब कहेंगे, कि जब रिलीजन के बेस पर एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, दंगे फसाद हो रहे हो, हर कोई अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हो, तब ये बुराइयां शुरू होती हैं। तो रिलीजन का जो डिवाइड किया गया है, रिलीजन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ वर्शिप, की पूजा पद्धति के आधार पर धर्म का बंटवारा है। हर रिलीजन के अपने अलग अलग पूजा पद्धति है। ईश्वर एक है, लेकिन हर रिलीजन के लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने ईश्वर की पूजा करते हैं। तो इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्शिप। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस तरह की जो हमारे सामने सोशल इविल्स को जाना, सामाजिक जो बुराइयां हैं, चाहे कास्ट बेस पे हो, चाहे क्लास बेस पे हो, चाहे जेंडर बेस पे हो, चाहे रिलीजन बेस पे हो, चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें, चाहे हम रेशियल नस्ल के आधार पे हम बात करें, तो हाउ कैन ऑल दिस बी इरेडिकेटेड, कि यह सब कैसे मिटाया जा सकता है। कुछ तो करना होगा ना, कोशिश तो मिलके करनी होगी। तो इसको कैसे हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? गुड एजुकेशन, हमें बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, चाहे घर में चाहे स्कूल में। एजुकेशन दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक। तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, कि सोसाइटी की भी ड्यूटी है, कि बच्चा स्कूल में भी सीखता है, सोसाइटी में भी सीखता है, घर में भी सीखता है। तो हर लेवल पे जरूरत है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बच्चों को प्यार सिखाया जाए, रिस्पेक्ट सिखाई जाए, ना कि उनको जाति धर्म में बांटा जाए। सोशल अवेयरनेस की, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है, तो सोशली हम अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें कि जो ये बुराइयां हैं इनको समझे, जाने, और इससे हमारे सोसाइटी का क्या लॉस हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसको समझे। लोगों को इनके बारे में पता चलेगा, इससे सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को क्या समस्या हो रही है, किस तरह से हमारी सोसाइटी पीछे जाती जा रही है। तो हमें सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि इन चीजों से लोग बाहर आए और एक अच्छी सोसाइटी बनाए। सोशल सेंसिटिवनेस की, सामाजिक संवेदनशीलता, कि हमारे समाज में जो भी चीजें हो रही हैं, अच्छी बुरी जो भी चीजें हो रही हैं, तो हमें उसके प्रति संवेदनशील होना है, ताकि हम उन चीजों को समझें और उसको दूर करने की कोशिश करें। सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए, कि ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरों के घर हो रहा है, हमारा क्या जाता है। नहीं, हमारी सोसाइटी है तो हमें उसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, ताकि हम बुराइयों को दूर करें अपने सोसाइटी की, और हम सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाए। तो चाहे हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, कास्ट है, क्लास है, इस तरह की जो चीजें हैं, तो इसमें हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। बाय लॉ, कानून के द्वारा, गवर्नमेंट ने कानून भी बनाए हैं। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल राइट्स, रिलीजियस राइट्स। तो इस तरह के राइट्स भी कानून द्वारा दिए गए हैं समय समय पर, ताकि जो ये सामाजिक जो बुराइयां हैं इसको खत्म की जा सके, और एक ऐसी सोसाइटी हम बनाए जहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर किसी को पूरी अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। तो गवर्नमेंट भी काफी कदम उठा रही है इसके लिए।
वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अच्छी एजुकेशन महिलाओं को दी जाए, उनको अवेयर किया जाए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो वुमेन एम्पावरमेंट मास कंपेन की एक व्यापक जन अभियान चलाया जाए, एक पूरे समाज में एक सामाजिक अभियान चलाया जाए। जैसे आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान का था, स्वच्छ भारत अभियान था, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, इस तरह के कंपेन चलाए जाए व्यापक स्तर पर, ताकि लोग जो ये सामाजिक जो बुराइयां हैं इनसे होने वाले नुकसान को जान सके और एक ऐसे समाज को बनाने में अपना योगदान दे जहाँ पे किसी तरह की कोई बुराई ना हो, सब मिलकर रहे। तो आपको आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।